देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज, मैं हूं रोहित वर्मा। ऐसे क्षण में जब सब कुछ जैसे रुका हुआ हो, थमा हुआ, रुकी हुई राहें, रुकी हुई सांसें, रुके हुए लोग, रुका हुआ समाज, रुके हुए सफर, पलछिन रुकी हुई, पुरवाई रुकी हुई, लेकिन रुके हुए देश में परमात्मा को आवाज देती अंतरात्मा की आवाजों के बावजूद सब कुछ रुका हुआ नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी साहस को हमारी चिंताओं की सेज बना डाला है। इन्हें भी कोरोना हो सकता है, जिंदगी भर का रोना हो सकता है, लेकिन ये योद्धा जान हथेली पर रख कर फंसे हुए लोगों के बचा रहे हैं, प्राण और दुनिया को दिखा रहे हैं कि वायरस जैसा भी हो हम हैं उससे बलवान। भारत में कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फाइजर सहित 3 वैक्सीन निर्माताओं के भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए अपने COVID-19 टीके को मंजूरी देने का आवेदन के बाद से टीकाकरण अभियान जल्द ही शुरू होने की संभावना है। देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में बताया था कि भारत ने एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है कोविन, जिसमें आम लोग कोरोना वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है कोविन का। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से यह कहा गया था कि केंद्र ने एक एप्लीकेशन बनाया है जो प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक निगरानी करेगा, उसको कोविन कहा गया है। कोविन नया ऐप है जो मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ईवीएम का उन्नत संस्करण होगा। ये ऐप प्रक्रिया में लगे सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा, प्रशासक, टीकाकरण और ऐसे लोग जो इन वैक्सीन शॉट्स को प्राप्त करने जा रहे हैं। सरकार पहले 2 चरणों में प्राथमिकता समूहों का टीकाकरण करेगी, पहले चरण में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों और दूसरे चरण में आपातकालीन श्रमिकों का टीकाकरण। इन लोगों का डेटा पहले से ही राज्य सरकारों द्वारा संकलित किया जा रहा है। आप पर हम जो बेसब्री से इस वैक्सीन के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें ये वैक्सीन मिलेगी कैसे? 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सबको वैक्सीन देना वाकई बड़ी चुनौती है, लेकिन हिंदुस्तान में इस चुनौती से पार पाने की बहुत अधिक क्षमता है और इसके लिए कमर भी कस ली गई है। आपको याद होगा जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी तब सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत कारगर सिद्ध हुआ, और अब वैक्सीनेशन में भी एक ऐप की सहायता ली जाएगी। आखिर वो कौन सा ऐप होगा और कैसे हमारे आपके वैक्सीनेशन में मददगार होगा? भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी, यानी सारा पारदर्शी रहेगा। सरकार को क्या मदद मिलेगी बताते हैं। इसके जरिए सरकार को वैक्सीन का स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरी जैसे अहम जानकारियां मिलेगी। दूसरा, वैक्सीनेशन शेड्यूल वैक्सीनेशन सेंटर की लोकेशन एप्स पर मिलेगी। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब टीकाकरण का अनुभव है जिससे 55 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं होती हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया गया है यानी ईविन। ईविन को कोरोना की लड़ाई में जोड़ा जा सकता है जिससे देश सभी जिलों में 28,000 वैक्सीन जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़े कोल्ड चेन पॉइंट में स्टॉक टेम्परेचर की रियल टाइम जानकारी लोगों को पता चलेगी। वैक्सीन होती क्या है ये आपको बताते हैं। साल 1796 ये वो साल था जब एक वैज्ञानिक ने एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए मेडिसिन बनाई थी। साल 2016 आते आते ये ऐसी पहली बीमारी थी जिसे दुनिया से जड़ से खत्म कर दिया गया। ऐसा संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ उसी दवाई की वजह से। इसे नाम दिया गया वैक्सीन का। ये पहली सफल वैक्सीन थी। 1796 से 1885 तक वैक्सीन पर काफ़ी सारी रिसर्च हुई और 1885 में लुईस पॉस्चर ने रेबीज की वैक्सीन का इजाद किया, जिसके बाद 20वीं सदी के मध्य तक जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी थी उसके लिए वैक्सीन तैयार की जाने लगी। ये वैक्सीन शरीर के अंदर जाकर बैक्टीरिया में तब्दील हो जाती।
जिससे बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। कैसे करती है काम ये आपको बताते हैं। मैसेंजर रिब्यूनिवलिक एसिड यानी mRNA जिसका इस्तेमाल पहले जीन थेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता था। कोरोना वायरस में 29 प्रोटीन होते हैं। कोरोना वायरस के आउट लेयर पर मुकुट की तरह दिखने वाले हिस्से से वायरस प्रोटीन निकलता है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। ये इंसान के एंजाइम ACE2 रिसेप्टर से जुड़कर शरीर तक पहुंचता है, फिर अपनी संख्या बढ़ाकर संक्रमण को बढ़ाता है। mRNA कोशिकाओं को वायरस स्पाइक प्रोटीन के विशेष टुकड़ों के निर्मित के लिए निर्माण के लिए निर्देश देते हैं। जब वास्तविक संक्रमण होता है तब ये उस पर हमला कर देते हैं। ये इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने और टी सेल को एक्टिवेट कर संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कहती है। वैक्सीन बनाने में इतना समय क्यों लगता है ये सबके जहन में आता है तो हम आपको बताते हैं। चाहे वो फ्लू हो या पोलियो, उसकी वैक्सीन बनाने के लिए एकदम शुरू से काम हुआ होता है जिसमें काफ़ी वक्त भी लगता है। पहले बीमार करने वाले वायरस की पहचान की जाती है, फिर मृत कोशिकाओं को लोगों के शरीर में इंजेक्ट कर उसे प्रतिरोध करने की एक तरह से कहें कि ट्रेनिंग दी जाती है। एक पूरी सीरीज बनाने में के रास्ते तलाशने पड़ते हैं। वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ तकनीक भी बदली। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन और एडवांस तकनीक पर आधारित है। ये सिंथेटिक मैसेंजर RNA का यूज करते हैं। इस तकनीक का इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। mRNA शरीर में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को बताता है कि उन्हें कौन से प्रोटीन देते हैं, फिर एंटीबॉडी बनती है बिना संक्रमण हुए। तो इंतजार करिए, जल्द ही हमारे देश में वैक्सीन आने वाली है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।